हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? एक नए ब्लॉग में दोस्तों फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं सुबह सुबह रेडी होकर तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम जा रहा हूँ अपनी ससुराल और बेटू मेरा सोने में मस्त है। सुबह से कपड़े पहना दिए, तैयार कर दिए बिल्कुल, पर वो उठा नहीं है, सोने में मस्त हो रहा है। और को दिखा दूँगा लूसी का, ये देखो कितनी मस्त बैठी है। और एक चीज़ और दिखाऊँ दोस्तों, देखो चुन्नू मुन्नू की आंखें खुल चुकी हैं। ये देखो इसकी आंखें खुल गई हैं, 10-12-13 दिन हो गए इसे, 14 दिन का हो गया जी, और आंखें खुल गई हैं इसकी। ये देखो कितनी मस्त हो रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों लूसी लेटी हुई है और अभी गाड़ी बुलाई है, गाड़ी आ जाए तभी चलते हैं। गाड़ी आ चुकी है दोस्तों हमारी और तैयार होकर हम जा रहे हैं अब बाय। और देखो कितनी देर में पहुँचते हैं, फिलहाल आधी को मम्मी लेके खड़ी हुई हैं अब और जा रहा अपनी मम्मी के पास। तो निकलते हैं फिलहाल और चलेंगे भवाली, देखते हैं रास्ते में। बीच रोड पे दोस्तों हमारी गाड़ी का टायर फट गया है, वो देखो सामने से टायर फटा हुआ है। और भैया इसे अब स्टेपनी को चेंज करने में है। और फिलहाल ये जो स्टेपनी है ये भी बस ऐसी है, तो आगे से एक स्टेपनी देखते हैं। तो फिलहाल अभी इसको सही करके और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा बर्बाद हो इससे ज़्यादा। तो फिलहाल दोस्तों अभी गुन्ने के जूस पीने के लिए रुके हैं, गाड़ी अपनी खड़ी है, जूस पी लें पहले, फिर जूस पी के निकलते हैं यहाँ से सीधे सीधे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कोई हनुमान जी का वो निकल रहा है पूरा जुलूस सा, और पूरा यहाँ पुलिस वुलिस लगी हुई है सब, तो काफ़ी जाम लगा हुआ है। गाड़ी पीछे खड़ी है और मैं आगे आ गया हूँ यहाँ पे। और ये देखो दोस्तों इतना पतला रास्ता है, ये मतलब इतने उससे निकल के आया हूँ मैं बहुत बच के। ये पूरा चौड़ा रास्ता था, ये ख़राब हो गया बरसात में, टूट गया था पूरा, ढह गया था, यहाँ से गिरे तो सीधे नीचे रोड पे। और फिलहाल ये चलते हैं पतले पतले रास्ते से निकल के। बाकी बाबू को मैंने ऊपर से भेजा है स्कूल में से कि स्कूल में से जाए निकल के, तो ये देख रहे हो आप कितना पतला रास्ता है। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं दोस्तों ऊपर, जा रहे हैं घर के लिए। अभी आ गया था लेने हमें, सारा बोझा उठा के लेके जाता है हमारा ऊपर। और ईशा देखो बाबू को लेके चल रही है, मैं सामान लेके चल रहा हूँ। फिलहाल ऊपर पहुंच के फिर दिखाता हूँ आपको पूरा यहाँ का नज़ारा। फिलहाल दोस्तों ये है अपना भवाली का नज़ारा कुछ इस तरीके का। और पीछे आप मेरे देख रहे हो, ये है हमारे पीछे चर्च, क्रिस्ट चर्च जो है हमारा मेथोडिस्ट का। तो फिलहाल अभी चर्च लगाया तो मैं यहाँ चर्च में आया हूँ, ये शोर मचा रहा था तो मैं बाहर आ गया निकल के। अभी आपको मैं अंदर का दिखाऊंगा चर्च का। फाइनली दोस्तों मेरा मोटापा जीत गया जंग, और ये पहुँच गया मोटापा मेरा। हो भाई मैं भी पहुँच गया। तो फिलहाल दोस्तों ये है मेरी ससुराल, मेरा घर, मेरी बीवी का घर। और फाइनली पहुँच चुके हैं हम ऊपर, और देखो कहाँ से आ रहे हैं हम, वो देखो गाड़ी खड़ी है नीचे, वहाँ से ऊपर चढ़ के आए भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है। सो फिलहाल दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं इस टाइम घर के अंदर हूँ। मैं आपको एक बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ पहाड़ों का, रात का बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों ये सामने वाला पहाड़ है जिसपे इतना मस्त लाइटिंग जल रही है और काफ़ी प्यारा लगता है। एक्चुअली मैं बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा बाघ का डर रहता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अचानक से बाघ आ जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये आपको अंदर से ही दिखा रहा हूँ खिड़की में से। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरा ऊपर तक देखो। सो फिलहाल अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और कल घूमने जाएंगे, और कल गुड फ्राइडे भी है, कल चर्च भी जाना है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करके मिलेंगे कल। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर दोस्तों, और अपने भाई को सपोर्ट करना।